नमस्कार, दिन भर की चुनिंदा खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। दलपत सागर में ऐतिहासिक दीपोत्सव में योगदान देने वाले हुए सम्मानित। अपराध पर लगाम लगाने हेतु वारंटियों की धरपकड़ पर बस्तर पुलिस की कार्यवाही। केंद्रीय विद्यालय के बच्चों ने नारायणपुर में अपना जौहर दिखाया। भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय शाखा के द्वारा मृदा दिवस मनाया गया। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के सबसे बड़े मानव निर्मित तालाब दलपत सागर में पिछले माह 12 नवंबर को स्वच्छता के संकल्प के साथ आयोजित ऐतिहासिक दीपोत्सव में योगदान देने वालों को जगदलपुर नगर निगम द्वारा सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में महापौर सफीरा साहू ने कहा कि हम सभी का संकल्प स्वच्छ और सुंदर जगदलपुर का निर्माण है, जिसके लिए प्रत्येक शहरवासी योगदान दे रहा है। दलपत सागर में इस साल जलाए गए 2.25 लाख दीप भी इसी स्वच्छ और सुंदर शहर के निर्माण के प्रति लोगों का उत्साह है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी लक्ष्य से अधिक दिए जलाए गए, इसके लिए लोगों ने खुले हृदय से योगदान दिया। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा स्वच्छता के लिए जगदलपुर शहर को पूरे देश में दूसरा स्थान के लिए सम्मानित किया गया है। जगदलपुर वासियों की स्वच्छता के प्रति यह उत्साह हमें निश्चित तौर पर प्रथम स्थान दिलाएगी। विभिन्न सामाजिक, व्यावसायिक एवं समाजसेवी संगठन, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर, स्वच्छता दीदी, युवोदय के स्वयंसेवक सहित जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में MIC सदस्य यशवर्धन राव सहित पार्षदगण, नगर निगम आयुक्त दिनेश नाग उपस्थित थे। 12 नवंबर को दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ था, तो उस दीपोत्सव कार्यक्रम में जिन्होंने भी हमारा साथ और सहयोग दिया था, तो आज हम लोगों ने धन्यवाद और आभार देने के लिए कार्यक्रम रखा है। शहर की पूरी जनता का साथ मिला हमें, हमें पूरे पत्रकार साथी का साथ मिला, पूरे जो जगदलपुर के मुख्य मार्ग व्यापारी, चाहे वो बहुत सारे संस्थान, पूरे समाज, सभी वर्ग के लोगों ने हमारा साथ दिया। खास तौर पर हमारे नगर निगम की टीम थी और बहुत बड़ी भूमिका में पूरी युवोदय की टीम और युवा मितान की टीम ने हमें साथ दिया, सपोर्ट किया, और जिससे हम एक ऐतिहासिक दीपोत्सव का त्यौहार मना पाए। तो सभी का आज हम लोग जो आभार कर रहे हैं और उसी लिए कार्यक्रम रखा गया है। बस्तर जिला के ऐसे अपराधी जो अपराध कारित कर लंबे समय से फरार चल रहे थे, जिन पर माननीय न्यायालय द्वारा स्थायी वारंट जारी किया गया था, ऐसे फरार स्थायी वारंटियों पर विशेष अभियान के तहत धरपकड़ कार्रवाई किया गया है, जिसके अंतर्गत बस्तर जिला के थाना बोधघाट 19, थाना परपा 7, थाना नगरनार 5, थाना कोतवाली 3, थाना बस्तर 3 एवं थाना लौंडीगुड़ा 2, कुल 39 वारंटियों को पता तलाश कर वारंट तामील कर संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। इस तरह एक सप्ताह में कुल 90 स्थायी वारंटी तामील किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बस्तर के निर्देशानुसार लगातार आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा ये निर्देशित किया गया था कि जो अस्थायी वारंटी है उन्हें उनकी धरपकड़ की जाए। इसी क्रम में पिछले एक सप्ताह से इसकी कार्रवाई चल रही थी। पिछले बुधवार को हम लोगों ने 51 अस्थायी वारंटी तामील की थी और आज हम दोबारा 39 अस्थायी वारंटी तामील कर रहे हैं। इस प्रकार हम एक सप्ताह के अंदर में 70 अस्थायी वारंटी तामील करवाई है। यह कार्रवाई के आगे भी जारी रहेगी? बिल्कुल, आगे भी जारी रहेगी। ये ऐसा प्रयास है जिससे कि आपराधिक तत्वों पर नियंत्रण किया जा सके और एहतियातन हम सुरक्षा व्यवस्था भी बहाल बनाए रखने में भी मदद मिलेगी इस समय। CBSE द्वारा आयोजित इंटर स्कूल स्पोर्ट्स एंड गेम जूडो प्रतियोगिता का आयोजन कृष्ण पब्लिक स्कूल रायपुर ने दिनांक 2 से 4 दिसंबर 2022 तक आयोजित की गई थी, जिसमें बस्तर जिले के खिलाड़ी युवराज ने दीप्ति कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से खेलते हुए जूडो खेल में गोल्ड मेडल प्राप्त कर जिले और अपने क्लब का नाम रोशन किया, जिसकी राष्ट्रीय स्तरीय जूडो प्रतियोगिता हरियाणा में आयोजित उक्त प्रतियोगिता में CBSE की तरफ से भाग लेगा। इसकी उपलब्धि के लिए स्कूल के प्राचार्य सिस्टर सौम्या स्कूल स्टाफ ने बधाई दी, साथ ही उज्ज्वल भविष्य की कामनाएं किए। जगदलपुर से यशवंत पांडे, गोल्ड मेडल प्राप्त किया, सिल्वर मेडल मुसेब गाजी ने प्राप्त किया, एलेक्स ने ब्रांस मेडल, आरवी अवस्थी ने ब्रांस मेडल प्राप्त कर बस्तर जिले का नाम रोशन किया। बस्तर जिला जूडो संघ द्वारा इन सभी खिलाड़ियों को अभ्यास कराया जाता है। इनके द्वारा ये उपलब्धि बस्तर के लिए बहुत गौरव की बात है। स्कूल के
प्रचारों ने इनकी इन उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दी और इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। ये सभी खिलाड़ी आगामी होने वाली राष्ट्रीय CBSE स्कूल प्रतियोगिता के लिए हरियाणा में अपना प्रतिभागी बनकर प्रदर्शन करेंगे। जगदलपुर के भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय शाखा के अधिकारी कर्मचारी के द्वारा आज धर्मपुरा स्थित मुख्य शाखा में मृदा दिवस के अवसर पर कार्यक्रम रखा गया। हर साल 5 दिसंबर को खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा विश्व मृदा दिवस बढ़ती जनसंख्या की वजह से मिट्टी के कटाव को कम करने की दिशा में काम करने, लोगों को उपजाऊ मिट्टी के बारे में जागरूक करने तथा संसाधन के रूप में मिट्टी के स्थानीय प्रबंधक की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। जिस तरह पानी के बिना जीवन की कल्पना मुमकिन नहीं, ठीक उसी तरह मिट्टी का भी महत्व है। भारत की आधी आबादी ही कृषि पर निर्भर है, लेकिन खेतों में किसानों द्वारा बहुत ज़्यादा केमिकल वाले खाद और कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल से मिट्टी की क्वालिटी में कमी आ रही है, जो खाद्य सुरक्षा, पेड़ पौधों के विकास, कीड़ों और जीवों के जीवन और आवास पर मानव जाति के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ऐसे में मिट्टी का संरक्षण बहुत जरूरी हो गया है। करीब 45 साल पहले भारत में सिमसी बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 2002 में अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ द्वारा विश्व मृदा दिवस मनाने की सिफारिश की गई थी। इस तथ्य पर जोर देने के साथ कि मिट्टी में खनिज, जीव और जैविक घटक होते हैं जो मनुष्य और जानवरों को भोजन प्रदान करते हैं। अगर उनकी गुणवत्ता और बचाव पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये संपूर्ण संसार के लिए खतरा पैदा कर सकता है। आज हो रहे मृदा दिवस के कार्यक्रम में बस्तर जिला के निवासरत सभी किसानों को आमंत्रित किया गया था। वहीं अधिकारी एवं किसानों ने हमारे चैनल से भी बात की। शासन की तरफ से जितने भी ये स्कीम्स चल रहे हैं गवर्नमेंट एजेंसीज की तरफ से, ताकि इन सब के बीच में रखा जाए, उनको इसकी लाभान्वित किया जाए। सर, ये हमारे भारतीय स्टेट बैंक का ये पहल है और हम लोग बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं कि हमारी कॉल पे ये शासकीय अधिकारी यहाँ पे उपस्थित होकर अपने जितने भी स्कीम्स है उसको विस्तार रूप से जो हमारे उपस्थित किसान भाइयों को उपलब्ध कराया। जो विभागीय योजनाओं को कैसे बैंक के लिंक के माध्यम से कैसे किसानों को लाभान्वित किया जा सकता है, इस पर जोर दिया। साथ ही साथ जो हमारी आज की जरूरत है कि जो मिट्टी की जो सेहत बिगड़ रही है, इस आज चूंकि वर्ल्ड सॉइल डे है तो उसमें एक किसानों को जागरूकता पैदा करने के लिए ये आयोजन किया गया था। और इसमें किसानों को एक आह्वान किया गया है कि वे अपने जो भू स्वास्थ्य को के लिए सजग रहें और संतुलित खाद और रसायनों का उपयोग करें, ताकि हमारी जो मिट्टी की सेहत है वो आने वाले समय तक बरकरार रहे। कि बैंक क्या कर सकती है, शासन की क्या क्या योजनाएं हैं, उनका कैसे लाभ ले सकते हैं, तो इसमें तो काफ़ी कुछ सीखने को और समझने को मिला। साथ ही हम जो गाँव के किसान हैं उनको जो समस्याएँ हैं उसके संबंध में मैंने जो सवाल किया उसके संबंध में भी उन्होंने समाधान बताया, लेकिन कई एक सवाल अंतिम व्यक्ति तक जो नहीं पहुंचता है उसके लिए एक तो उनको जागरूकता नहीं है, किसानों को जागरूकता कम है। दूसरी बात, जागरूकता उन तक पहुंचाने के लिए कर्मचारियों की संख्या कम है, इस वजह से शायद उनको जागरूकता नहीं मिल रही है या जानकारी नहीं मिल रही है, इसलिए उनको दिक्कत आती। उसी से संबंधित मैं अपने कुछ सवाल रखा था तो बैंक वालों ने बताया है कि उनका निराकरण करेंगे। मुक्ति मोर्चा व जनता कांग्रेस जे के नेता नवनीत चांद के नेतृत्व में लौंडीगुड़ा ब्लॉक के मांदर ग्राम पंचायत के निवासियों ने जिला CEO को ज्ञापन सौंप शुद्ध पेयजल व मूलभूत सुविधाओं की मांग की। ऐसा कौन सा विकास है जो आज तक मांदर ग्राम पंचायत तक नहीं पहुँचा? आज मांदर ग्राम पंचायत के लोगों को कुएं का अशुद्ध पेयजल पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अमृत जल मिशन के माध्यम से जहां सरकार घर घर तक पानी पहुंचाने का दावा ठोक रही है, तो वहीं बस्तर जिला जो कि संभाग का मुख्यालय है, जहां एक ऐसा विधानसभा जहां से दो बड़े नेता आते हैं, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ज्ञापन सौंप तत्काल समस्या के निदान की मांग रखी गई है। यदि इन समस्याओं का समाधान समय पर नहीं होता है तो ग्राम वासियों के साथ जनपद कार्यालय के सामने धरना दिया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय नारायणपुर में केंद्रीय विद्यालय संगठन की फ्लैगशिप योजना न्यूनतम साझा कार्यक्रम CMP के अंतर्गत प्राथमिक अनुभाग के छात्र छात्राओं हेतु एक दिवसीय संकुल स्थानीय मिनी स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन शनिवार 3 दिसंबर को किया गया। प्रतियोगिता में जगदलपुर संकुल के कोंडागांव केंद्रीय विद्यालय, नारायणपुर केंद्रीय विद्यालय और जगदलपुर केंद्रीय विद्यालय के प्राथमिक अनुभाग के विद्यार्थी शामिल हुए। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों के संस्थान प्रमुखों सहित
विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। मुख्य अतिथि प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय जगदलपुर विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य एवं निर्णयों द्वारा मेडल एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस प्रतियोगिता में केंद्रीय विद्यालय जगदलपुर को 80 मीटर दौड़ बालक वर्ग, 50 मीटर, 80 मीटर, 100 मीटर दौड़ बालिका वर्ग, कबड्डी बालिका एवं बालक वर्ग, खो खो बालिका वर्ग, लंबी कूद बालिका वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए कुल 42 स्वर्ण पदक, 17 रजत पदक एवं 9 कांस्य पदक प्राप्त हुए। संपूर्ण प्रतियोगिता में केंद्रीय विद्यालय जगदलपुर प्रथम स्थान, केंद्रीय विद्यालय नारायणपुर द्वितीय स्थान एवं केंद्रीय विद्यालय कोंडागांव तृतीय स्थान पर रहा। गीता जयंती के उपलक्ष्य में शाश्वत महासभा द्वारा शासकीय उच्चतर प्राथमिक शाला ग्राम कालीपुर में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बस्तर महाराजा कमलचंद भंसदेव उपस्थित थे। इस प्रतियोगिता में 7 विद्यालयों ने भाग लिया था। इस कार्यक्रम में बस्तर महाराजा के द्वारा विद्यार्थियों के द्वारा मनमोहक रंगोली बनाई गई थी, जिसे निहारती हुए उन कलाकारों बच्चों को उनकी कलाकारी के लिए प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम स्थल पर बच्चों के द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गाँव के गणमान्य नागरिक एवं परिजन के साथ साथ आसपास के ग्राम के निवासरत ग्रामीण भी पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले स्कूलों के नाम हैं: शासकीय उच्चतर प्राथमिक शाला बालीकोंटा, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला तितरगांव, शासकीय उच्च प्राथमिक शाला आसना, शासकीय उच्च प्राथमिक शाला कालीपुर, माता रुक्मणी प्राथमिक शाला डिमरापाल, गायत्री विद्यापीठ गुरुकुल तितरगांव, शासकीय उच्चतर प्राथमिक शाला कंगोली। इस रंगोली प्रतियोगिता में विजेता विद्यालय शासकीय उच्चतर प्राथमिक शाला तितरगांव रहा। बेमेतरा जिला में डायलिसिस आईसीयू वार्ड हुआ शुरू। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में डायलिसिस व आईसीयू वार्ड की स्थापना लाखों रुपए खर्च कर की गई थी, लेकिन अस्पताल की लापरवाही के कारण इसे अब तक शुरू नहीं किया गया था, जिसके चलते आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इन्हीं सब बातों को लेकर न्यूज ने प्रमुखता से इसकी खबर दिखाई थी, जिसके बाद कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को डायलिसिस व आईसीयू वार्ड को शुरू करने के निर्देश दिए थे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने आज विधिवत शुरुआत कर दी है, ताकि जिले के लोगों को इसकी सुविधा मिल सके। साथ ही यह सुविधा पूर्ण रूप से निशुल्क रहेगी। जिला चिकित्सालय बेमेतरा में डायलिसिस यूनिट प्रारंभ किया गया है, जो कि पूर्ण रूप से निशुल्क है। और उसी प्रकार यहाँ आईसीयू यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट, उसका भी प्रारंभ किया गया है, वो भी निःशुल्क है। और कुछ दिनों के बाद हमारे जिला चिकित्सालय बेमेतरा के MCH विंग में SNCU स्पेशल न्यू बार केयर यूनिट ये भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 4 नवजात बच्चों की मौत का मामला सामने आया। आपको बता दें कि बीती देर रात अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज वार्ड में तकरीबन 4 घंटे तक लाइट गुल रही, जिसके बाद जब परिजनों को सुबह नर्सों के द्वारा यह बताया गया कि आपके बच्चे की मौत हो गई है, आप अपने पति और परिजनों को फोन कर बुला लीजिए, जिसके बाद अस्पताल परिसर सहित सरगुजा जिले में खबर फैलते ही मौके पर मेडिकल कॉलेज के डीन सहित कलेक्टर, SP मौके पर पहुंच गए, जहां डॉक्टरों की टीम के साथ बैठक जारी है। अब देखना होगा कि इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन होगा, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। इस मामले को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव का भी बयान सामने आया है, जिसमें कहा कि इस बात की जानकारी हुई है कि अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 4 बच्चों की मौत हुई है। किन कारणों से मौत हुई है, इसकी जांच के लिए जांच की टीम गठित किया गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मेरा पत्नी का लड़का हुआ था, उसको धंधापुर से रेफर कर दिया था यहाँ 2 तारीख को। उसके बाद यहाँ लाया था तो 1 बजे आसपास मेरा बेटा हुआ था, बेटा दूध पीने लगा। उसके बाद एक दो दिन वो बढ़िया, कल से बढ़िया दूध पी रहा था, लेकिन आज रात से लाइट कट गया था 3-3:30 बजे आसपास, और बच्चा सुबह वो डेड कर गया। क्या बोले? तो सुबह मेरे को सूचना दिए कि यहाँ बुलाना है आपका पति को, तो मेरा पति फ़ोन की दूसरे नंबर से, उसे बताया मैं, तो बस आ रहा था तो मेरे को बोले कि जल्दी आओ, सुबह से आपको फ़ोन कर रहे हैं, मेरे पास एक बार भी फ़ोन नहीं आया है। उसके बाद यहाँ आया तो फिर मेरे को बताया डॉक्टर कि आपका लड़का ऐसे ऐसे हो गया। क्या वजह मानते हैं? तो रात में जैसे लाइट कटा उस समय कोई सिस्टर लोग नहीं थे यहाँ, एक दो लोग थे, तो ज़्यादा उन लोग ध्यान नहीं दिया क्या हुआ। उसके बाद वो डेट हो गया। मेरी पत्नी जब दूध पिलाने गई थी तो दूध नहीं पी रहा था, तो सिस्टर लोग बोले कि दूध बहुत ज़्यादा पी लिया था इसीलिए नहीं पी रहा होगा। उसके बाद उसको कोई देख रेख नहीं कर रहे थे। आईसीयू में ऑक्सीजन बच्चे लेने नहीं पा रहे थे, लाइट थे, फिर कल रात को लाइट भी नहीं था। उसके बाद डेट हो गई, उसको नहीं बताया रात को।
सुबह आधा एक घंटा पहले बताया कि डेट हो गया बोल के। क्या वजह मारने डेट हो गया? वो ऑक्सीजन लाइट नहीं था तो कहाँ ऑक्सीजन लेने पाएंगे। कितने देर से लाइट गोल हो गया था? रात में हुआ था देर एक दो के बीच में। तो कितना देर तक लाइट गोल रहा? आधा एक घंटा रहा होगा। तो क्या लापरवाही मानते हैं, किसकी लापरवाही मानते हैं? अस्पताल पर अस्पताल की लापरवाही। हाँ, अस्पताल। अंबिकापुर MCH और अस्पताल से चार शिशुओं की मृत्यु की जानकारी आज 10:30 बजे मुझे लगी और विभागीय प्रमुख अधिकारी सेक्रेटरी हेल्थ को मैंने फोन करके तत्काल एक जांच टीम वरिष्ठ लोगों की गठित करके भेजने के लिए डायरेक्शन भी दिए और साथ ही मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करके उनको घटना की जानकारी भी दी और वहां जाने के लिए भी मैंने कहा कि वहां जाना जरूरी होगा, अभी रोड मार्ग से अथवा अगर हेलीकॉप्टर हो जाए तो उन्होंने हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध करा दिया है। 12:30-1 बजे के बीच में हम लोग यहां से टेक ऑफ करेंगे और अंबिकापुर अस्पताल में जाके वहां की स्थिति का पूरा जायजा लेके जवाबदेहियां तय करके कहां कमियां आई, किन कारणों से ऐसी स्थिति बनी उनकी समीक्षा करके और आवश्यकता पड़ी तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करने की बात ये मैंने डायरेक्शंस अपनी ओर से दिए हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव ने अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज वार्ड का किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान लापरवाही आई सामने। प्रवक्ता अनुराग सिंह देव ने 4 नवजात बच्चों की मौत के मामले में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव के इस्तीफे की मांग की है। देखिए, 4 बच्चों की आकस्मिक मृत्यु की सूचना मिली थी। हम लोग आए यहाँ पर, डीन से बातचीत हुई है और अंदर भी मैं ICU के अंदर गया, देखा सब, कई बच्चे क्रिटिकल आए हैं अभी भी। मुझे लगता है कि जो विषय आया था कि यहाँ पर बैकअप नहीं मिला और ये बात सत्य है कि बैकअप के बिना बहुत देर तक वेंटिलेटर काम नहीं करता है, एक लिमिटेड समय रहता है उसका। और ठंड का दिन है, चूँकि सरगुजा में ठंड ज़्यादा पड़ती है और ऐसे में जो हार्ट से संबंधित बच्चे पेशेंट रहते हैं उनको ज़्यादा नुकसान की संभावना बनी रहती है। लेकिन अस्पताल में जो लापरवाही बरती जा रही है, छत्तीसगढ़ के अंदर स्वास्थ्य महकमे में जिस तरीके से लापरवाही बरती गई है वो अक्षम्य है। लगातार पहले भी मृत्यु की खबरें आती रहती हैं नवजात बच्चों की, उस पर कोई चीज सुधार करने के बजाय ये लोग जब भी घटना होती है लीपापोती करते हैं। BJP मांग करती है कि इनको बच्चों को परिजनों को मुआवजा दिया जाए, जो संबंधित दोषी डॉक्टर और ड्यूटी अधिकारी हैं और जो भी लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं उसके खिलाफ तत्काल FIR दर्ज के कार्रवाई की जाए। और अंबिकापुर के स्वास्थ्य मंत्री जो पूरे तरीके से स्वास्थ्य की व्यवस्था को अपने ही गृह जिले में, छत्तीसगढ़ तो दूर की बात है, वो सब ठीक करने में विफल रहे हैं, उनको अपने पद से तत्काल त्याग पत्र देना चाहिए। ग्रैंड न्यूज़ में आज बस इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।